हाय देयर, आप देख रहे हैं स्वास्टिक वीडियोस और इस वीडियो में आज मेरे पास है एक HDMI स्विच या फिर इसको HDMI स्प्लिटर भी कहते हैं। ये आपको मार्केट में 500 के अराउंड आराम से मिल जाएगा, 400 300 का भी कई बार मिल जाता है ऑनलाइन स्टोर्स पे जब आप देखते हो। तो इसका बॉक्स आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है। आप चाहे तो अगर इसको फीचर्स देखना चाहते हैं तो पॉज करके आप वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे इसके साथ हमको एक रिमोट भी मिलता है, इस रिमोट के हेल्प से हम HDMI स्विचिंग कर सकते हैं। पुराने TVs में या कंप्यूटर्स में एक ही HDMI स्लॉट होता है, तो आपको मल्टीपल चीज़ें लगाने होते हैं। सपोज़ आप सेटअप बॉक्स लगा रहे हो, आपको लैपटॉप कनेक्ट करना है, या फिर लेट अस से आपको कोई एंड्रॉयड TV बॉक्स कनेक्ट करना है अगर आपका TV स्मार्ट नहीं है। तो आप इस HDMI स्प्लिटर की हेल्प से आप आराम से दो चार, यहाँ पे मेरे पास 3-in-1 है, तो आप अप टू 3 डिवाइसेस एक ही TV पे कनेक्ट कर सकते हो या जिसमें भी आपको आउटपुट डिवाइस में कनेक्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ लैपटॉप को अपने TV के साथ कनेक्ट करके, और सेटअप बॉक्स भी एट द सेम टाइम कनेक्टेड रहेगा। ये लैपटॉप का HDMI केबल मैं लगा देता हूँ अपने TV में। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी रेड कलर का जो आप देख रहे हो ऑलरेडी सेटअप बॉक्स का है, एयरटेल का वो लगा पड़ा है। ये स्लॉट 2 है, स्लॉट 2 की जगह मैं स्लॉट 3 में HDMI केबल लगा देता हूँ। अब मेरे पास अभी भी एक और स्लॉट बचा हुआ है, मेरे पास 5 TV स्टिक है, शायद मैं वो उसमें लगा दूँ। इसके बटन की सहायता से भी मैं इसको इनपुट बदल सकता हूँ, बट मेरे पास रिमोट है तो रिमोट इनबिल्ट है। अब आप देख सकते हो कि मेरा लैपटॉप कनेक्ट हो गया है, स्पॉटिफाई TV पे आ रहा है लैपटॉप के थ्रू। अब मैं अगर नंबर 1 प्रेस करता हूँ तो ये वापस हमारे सेटअप बॉक्स में चला जाता है और एयरटेल का डिजिटल TV में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए, और वापस से स्विचिंग करूँगा मैं तो स्विचिंग करने के बाद ये 3 नंबर पे मैंने कनेक्ट कर रखा है अपना लैपटॉप अभी एज ऑफ नाउ, तो ये लैपटॉप पे स्विच हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस इज स्वास्टिक साइनिंग ऑफ।